हेलो व्यूअर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकोली का एक सब्जी। तो यहाँ पर हमने ब्रोकोली को काट के उसको बॉयल करके रखा है हल्दी और नमक से। और यहाँ पर है टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, और यहाँ पर है सूखी मिर्च, काली जीरा और जीरा, और यहाँ पर है सारे मसाले। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्रोकली का ये रेसिपी। हेलो व्यूअर्स, यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और तेल हमने सफोला गोल्ड यूज़ किया है। यहाँ पर आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रोकली को फ्राई कर लेंगे। फिर मसाले को फ्राई करेंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक यूज़ कर रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा। और थोड़ा सा हल्दी दे रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, ये हमारा ब्रोकोली फ्राई हो गया है और इसको हमने लो फ्लेम में फ्राई किया था और अभी हम इसको उतार रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, अभी हम इसमें तेल फिर से थोड़ा सा डाला है और सूखी मिर्च, जीरा और काली जीरा इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। और फिर इसके बाद प्याज भी फ्राई करेंगे। प्याज को हम लोग थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करते रहेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक। हेलो व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारा प्याज हमारा फ्राई हो गया है और एक अच्छा सा गोल्डन कलर की तरह हुआ है। और अभी इस समय हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं और अदरक और लहसुन, और कुछ समय तक और पकाएंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक यूज़ कर रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा। और तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। और अभी हम इसमें हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्ची पाउडर ऐड करके थोड़ा सा पकाएंगे। तो हेलो व्यूअर्स, कुछ समय तक पकाने के बाद लो फ्लेम में ये हमारा टोमेटो भी गल चुका है और देखिए साइड से तेल छोड़ना भी शुरू हो गया है। और अभी हम इसमें जो फ्राई किया हुआ ब्रोकोली है वो ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी में मटर और आलू भी ऐड कर सकते हैं। कुछ समय तक और ढक के पकाएंगे। तो हेलो व्यूअर्स, करीब 5 मिनट तक पकाने के बाद हमने 2 हरी मिर्च भी ऐड किया है और इसको हमने ड्राई बनाया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा करी की तरह भी बना सकते हैं। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया। और कुछ समय तक और पकाने के बाद ये हमारा रेसिपी कंप्लीट होगा और मैं आपको उतार के प्रेजेंट करूँगा। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा। और इसको हम लोग ढक के करीब उस समय तक और पकाएंगे ताकि धनिया का फ्लेवर सब्जी में अच्छा से लग जाए। तो व्यूवर्स, ये हमारा ब्रोकली का रेसिपी बन के तैयार है और यहाँ से धनिया का एक अच्छा सा सेंट आ रहा है। तो अभी हम मैं इसको उतार के मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हेलो व्यूवर्स, ये मैं आपको ब्रोकली का रेसिपी प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको हमारा बनाने का प्रोसेस अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। तो थैंक यू व्यूअर्स।